खटीमा शमशान परिसर में बनी दुकान को किराएदार से खाली कराने के लिए भूमि मालिक ने प्रशासन से लगाई गुहार। भूमि मालिक की शिकायत पर खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मौके पर जा दस्तावेज चेक कर मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों को एक सप्ताह में विवाद सुलझा लेने के निर्देश दिए। वहीं उक्त दुकान में 2004 से किराएदार चले आ रहे अतीक अहमद का कहना है कि उन्हें ये दुकान शमशान घाट कमेटी के द्वारा 1.5 लाख की पगड़ी दिए जाने पर आवंटित की गई, जिसका उन्होंने समय पर किराया जमा कराया है। आज उन्हें बेवजह आल्हा रसूख वाले लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। वहीं भूमि पर दावा करने वाले शुभम गुप्ता का कहना है कि उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने जमीन और दुकान पर सुपुर्दगी दिलाए जाने हेतु प्रशासन से गुहार लगाई थी। नवभारत समाचार उधम सिंह नगर से प्रदीप अरोरा की रिपोर्ट। कोई एक भूमिधर है उसके वहाँ पर किसी वक्फ बोर्ड ने शमशान कमेटी ने कोई दुकान आवंटित कर दी, हालांकि ये भूमि जो है किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसके द्वारा कहा गया कि किराए में जो शमशान कमेटी ने गलत दिया गया है, जबकि उसकी भूमि नहीं। हमने रिकॉर्ड भी चेक किए तो ये पाया गया कि ये भूमि जो है भूमिधरी श्रेणी एक की एक व्यक्ति विशेष की है, तो लिहाजा ये जो शमशान कमेटी ने इनको जो किराए में दुकान खोली गई वो गलत खोली गई है। इनको एक हफ्ते का टाइम दिया कि आपस में समझौता कर लें और ये निष्कर्ष निकालें कि क्या इसको किराए में ये जो व्यक्ति विशेष है उसको रखना चाहता है अथवा नहीं, वरना इसको खाली करने का आदेश कर पाए। कमेटी ने किस कारण से और किस वजह से इनको ये दुकान आवंटित किए एक जाँच का विषय है। एक बार वो तहसील में उनको तलब किया गया, एक हफ्ते का टाइम दिया गया, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया। बस्ती वाली ज़मीन है, जब से हम लोगों ने वो संभाला हम लोग तो 4-5 महीने से इनसे रेगुलर कह रहे हैं कि खाली करने को, ना किराया दिया जा रहा ना खाली की जा रही है। तो अब हमने शासन प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितने वर्षों से इनका कब्जा है? करीब 4-5 साल हो गए हैं कब्जे को, और अभी हमारा 5-6 महीने से इनसे कहा जा रहा है ना किराया दे रहे हैं ना वो कुछ खाली करने को। आपको कब पता चला कि ये जमीन आपके? माता पिता के देहांत के बाद हमें, मतलब पहले से पता था लेकिन माता पिता के देहांत के बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी। अच्छा, आपका नाम? शिवम गुप्ता जी ने और नवनीत बालू ने दी थी दुकान, थी हमें किराए पे थी, हमसे इसका पैसा लिया गया था, उसकी हमें रसीद दी तो उन्होंने हमें किराना में लिख के दिया था हमको, था उसका हम 2004 से उसमें रह रहे हैं किराएदार में, हमने उनको किराया दिया शमशान भूमि को। आज एकदम एजेंट साहब कह रहे हैं कि दुकान खाली करो, दुकान इनकी है। तो वो लोग नवीन टेंट वालों ने दी थी हमें, और पुरुषोत्तम लाल जी थे और क्या नाम इनका टंडन जी, शमशान भूमि की जमीन है ये, हमसे कहा था उन्होंने शमशान भूमि की जमीन है ये। उस टाइम कितने रकम लिया गया था आपसे? हैं कितने रकम? ऐसी 1.5 लाख के आसपास लिया था हमसे। अब 7 दिनों ना कुछ तो करेंगे साहब, उसमें हम जो भी करेंगे देखेंगे साहब, जाकर उनसे बात करेंगे हम कि तुमने हमें कोरा क्यों किया, या हमें तुमने 4 जून की दुकान में चीप ढाल दिया तुमने हमें, या तुमने उनसे कुछ समझौता कर लिया हमें क्या मतलब चीज़ें दुकान की तुमने कर लेगी। अब हम उनसे उनसे बात करेंगे, उनको हम लेकर जाएंगे तहसील एच डी एम साहब के सामने। आपका नाम? नाम बताइए। मेरा नाम अतीक अहमद।